कप मैगी, कप मैगी और चाहे जो भी बुला लो, वो जो ग्लास में डाल के अभी वो मैगी जो बहुत फेमस हो रहा है व्हाइट सॉस वाला, क्या आपने ट्राई किया? क्या नहीं किया कोई बात नहीं, आज मैं करने वाली हूँ और आपको एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ और सारे रेसिपी के सारे टिप्स बताने वाली हूँ, इसका टेस्ट कैसा है वगैरह सारा कुछ डिटेल बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए, सारे टिप्स को फॉलो करें और एंड में मैं आपको बताऊंगी इसका टेस्ट कैसा है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कढ़ाई ली, 3 चम्मच तेल डाले। अभी यहाँ पे मैगी बनाऊंगी मैं फ्राई वाला। लहसुन ले ले 2 छोटे छोटे टुकड़े में डाले यहाँ पे कट करके। 1 प्याज कट कर लिया था बड़ा वाला, उसको भी डाले। गोल्डन होने तक पकाएं इसे। टमाटर डालना है, 1 टमाटर लिया था मैंने, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें और उसे भी प्याज के साथ पकाएं। ढककर 1 मिनट के लिए छोड़ दें पकने के लिए। 1 मिनट हो गया है, अभी यहाँ पे मैगी मसाला डाल दें। ऑप्शनल है लाल मिर्ची का पाउडर डालना, डाल सक अगर तीखा अच्छा लगता है तो डाल दें। मिला लें इसे। अभी पानी डालना है यहाँ पे, थोड़ा सा पानी डालें, ढककर इसे थोड़ा और पकने दें 1 मिनट के लिए। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये अच्छे से पक गया है। मैगी डालें और 1 कप पानी डाल के उसे पकने के लिए छोड़। जब तक मैगी बन रहा है तब तक यहाँ पे एक दूसरी कढ़ाई ले, 3 चम्मच तेल डालें, 2 छोटे छोटे टुकड़ों में कट किए हुए लहसुन डालना है। लहसुन को अच्छी तरह से गोल्डन होने तक पकाएं, नहीं तो इसका स्मेल रह जाएगा। अभी यहाँ पे मैं स्वीट कॉर्न डालूंगी, 2 बड़े चम्मच से स्वीट कॉर्न डाला है। 1 चम्मच से 1 बड़े चम्मच से मैदा डालें और मैदे को अच्छी तरह से भून लें, अच्छी तरह से मिला लें, नहीं तो मैदे का टेस्ट कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा। अभी यहाँ पे मैं डालूँगी 1/2 कप दूध और इसे कंटिन्यूस मिला लूँगी ताकि लम्ब्स ना बन जाए। अब चाहें तो यहाँ पे कटे हुए कैप्सिकम भी सौटे किए हुए डाल सकते हैं। नमक डाल दें स्वाद के अनुसार, ओरिगानो हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। अब लेते हैं 1 कप, कप हीट प्रूफ होना चाहिए, उसमें मैगी जो बनाई थी वो डालें। लेयरिंग करना है, चीज़ डालें और अभी जो व्हाइट सॉस बनाया था वो डालें। फिर से मैगी डालें, फिर से व्हाइट सॉस जो बनाया अभी हमने वो डालना है, फिर से मैगी डालें, खूब सारा चीज़ डाल दें ऊपर से। अभी चिली फ्लेक्स डालें। अब एक कढ़ाई ले लें, उसमें अगर स्टैंड नहीं हो तो इस तरह से चम्मच डाल के इसे थोड़ी देर के लिए गरम कर लें, 2 से 3 मिनट के लिए। कढ़ाई गरम हो जाए तो मैगी का अभी जो बनाया था लेयरिंग उसको डालें, 2 मिनट के लिए पकने छोड़ दें स्लो आंच पे। नहीं तो माइक्रोवेव अगर कर रहे हैं तो 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें। मैगी बनकर तैयार हो गई है, तो चलिए जानते हैं इसका टेस्ट कैसा है और इसे ट्राई करना चाहिए या नहीं। आपने देखा अभी रेसिपी मैंने बताया था और भी टेस्ट भी किया मैंने, तो ये जो मैगी है वो थोड़ा ट्विस्ट आ गया इसमें, यानी ये मैगी विद व्हाइट सॉस हो गया है, थोड़ा थोड़ा नूडल्स के जैसा भी लग रहा है। और मैगी को तो आप चाहे जैसे भी बना लो, मैगी बिल्कुल पोटैटो के जैसा होता है, आलू के जैसा, किसी भी सब्जी में मिला दो तो उसका टेस्ट तो अच्छा नहीं है। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट है और आप इसे एक बार जरूर से ट्राई करते, एक बार क्या आप बहुत बार अपने स्नैक में इसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये रेसिपी के लिए थम्स अप, तो आप इसे जरूर से ट्राई करें। मिलती हूँ आप सभी से मेरे आने वाले न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, कृपया सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय।